अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 3 है और आज आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और टॉपिक है आपका फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, वी नो दैट इन सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल गोज थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ये देखें ये क्या कह रहा है कि वी नो दैट इन सेलुलर रेस्पिरेशन, हम जानते हैं दैट इन सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल गोज थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हम जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल में ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से गुजरता है टू रिलीज एनर्जी, और क्या खारिज करता है, एनर्जी खारिज करता है किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ ATP, ATP की शक्ल में एनर्जी खारिज करता है। देखिए इधर के C6H12O6 प्लस O2 विल गिव अस CO2H2O प्लस एनर्जी, और जो एनर्जी खारिज होती है वो किस शक्ल में खारिज होती है, ATP की फॉर्म में, ATP की फॉर्म में एनर्जी खारिज होती है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो बेटा, इस प्रोसेस को आप कहते हो सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है कि हम जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से गुजरता है और उससे क्या खारिज होती है, एनर्जी खारिज होती है किस शक्ल में, ATP की शक्ल में खारिज होती है। और इस अमल को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। आपने 10th क्लास के जो पहला चैप्टर है, आपकी जो क्लास है 10th, उसमें जो पहला चैप्टर है बेटा उसमें भी आपने सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ की थी। आपने कहा था ऐसा अमल जिसमें खुराक में मौजूद CH बॉन्ड्स को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से तोड़ा जाता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें खुराक में मौजूद CH बॉन्ड को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से तोड़ा जाता है और निकलने वाली एनर्जी को ATP में तब्दील किया जाता है, इस अमल को आप सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये देखिए, ये थी सेलुलर रेस्पिरेशन और इसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है आगे हमने तारीफ करी है फर्मेंटेशन की। सो फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन इसकी तारीफ देखें, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द ग्लूकोज। फर्मेंटेशन एक ऐसा अमल है जिसमें ग्लूकोज की इनकम्प्लीट नामुकम्मल ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। सो हम देखने लगे हैं फर्मेंटेशन को कि फर्मेंटेशन एक ऐसा अमल है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की क्या होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और इनकम्प्लीट क्या होती है, रिडक्शन होती है। सो ऐसा अमल जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है उस अमल को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। सो फर्मेंटेशन की तारीफ कर लें कि ऐसा अमल जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, इस अमल को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस in which there is incomplete oxidation and reduction of the glucose is called fermentation. आगे चलते हैं, fermentation has been in the knowledge of man since centuries. Fermentation का जो इल्म है ये इंसान के जहन में सदियों से है, but it was believed that it is purely chemical process. लेकिन ये शुरू में ये यकीन किया जाता था कि ये सिर्फ एक केमिकल अमल है, शुरू शुरू में ये समझा जाता था ये सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस है। इन 1857 में पाश्चर कन्विंस्ड द साइंटिफिक कम्युनिटी, 1857 में पाश्चर ने साइंसी मुआशरे को इस बात पे राजी कर लिया दैट ऑल द फर्मेंटेशंस आर द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी, कि जहाँ पे भी फर्मेंटेशन होती है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लाजमी मौजूद होते हैं। सो
शुरू शुरू में ये समझा जाता था कि फर्मेंटेशन कौन सा अमल है, केमिकल अमल है, लेकिन 1857 में लुईस पाश्चर ने साइंटिफिक कम्युनिटी को कन्विंस कर लिया, राजी कर लिया कि जो भी फर्मेंटेशन है उसके पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ होता है। ही शोड दैट फर्मेंटेशन इज ऑलवेज अकंपनीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ही शोड उसने जाहिर कर दिया, उसने दिखा दिया दैट द फर्मेंटेशन इज ऑलवेज अकंपनीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि फर्मेंटेशन के पीछे किसका हाथ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ होता है। जहाँ पे भी फर्मेंटेशन होगी वहाँ पे क्या, कौन डेवलप होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे। यहाँ तक देख लें बेटा, हम पढ़ चुके हैं, हम सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से गुजरता है और एनर्जी खारिज होती है एटीपी की शक्ल में। वी नो दैट इन सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल गो थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ है ऊपर वाली। अब फिर फर्मेंटेशन की, जो आपका टॉपिक है उसकी तारीफ। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ द ग्लूकोज। फर्मेंटेशन एक ऐसा अमल है इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। आगे चलते हैं। फर्मेंटेशन हैज बीन इन द नॉलेज ऑफ मैन सिंस सेंचुरीज। फर्मेंटेशन का इल्म जो है इंसान के इल्म में, फर्मेंटेशन का जो इल्म है वो इंसान के जहन में सदियों से मौजूद है, यानी कि फर्मेंटेशन को इंसान सदियों से जानता है। बट इट वॉज बिलीव्ड दैट इट इज प्योरली केमिकल प्रोसेस। लेकिन ये बिलीव रखा जाता है कि ये सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस है। शुरू शुरू में कहते थे ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। इन 1857 पाश्चर कन्विंस्ड द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट ऑल फर्मेंटेशन आर द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। लेकिन 1857 में पाश्चर ने साइंटिफिक कम्युनिटी को, साइंसी मुआशरे को इस बात पर राजी कर लिया कि जो फर्मेंटेशन है उसके पीछे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हाथ होता है, कि यहाँ पर भी फर्मेंटेशन होगी उसको कौन कैरी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। He showed that fermentation is always accompanied by the development of microorganism. उसने तजुर्बात से ये बात जाहिर कर दी, उसने तजुर्बात से बात शो कर दी कि जो भी फर्मेंटेशन होगी वहाँ पे क्या पैदा होंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म पैदा होंगे। ठीक है बेटा, ये आपने फर्मेंटेशन का कंसेप्ट क्लियर किया, तो इसको दोबारा मैं एक और कंसेप्ट भी आपको दे देता हूँ फर्मेंटेशन का, कि फर्मेंटेशन कैटाबोलिक प्रोसेस है, याद रखिएगा। ये मैं वैसे इसे हट के बता रहा हूँ, आपकी बुक से हट के। फर्मेंटेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। कैटाबोलिक का मतलब एनर्जी रिलीज होती है, और कोई चीज़ टूटती है, बड़ी चीज़ टूटती है, एनर्जी रिलीज होती है। और फर्मेंटेशन का अमल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, फर्मेंटेशन का अमल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में होता है। फर्मेंटेशन का अमल कैटाबोलिक प्रोसेस है, एनर्जी खारिज होती है, और ये अमल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, एब्सेंस में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में होता है। और इसमें होता क्या है, फिर ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ना वो इनकम्प्लीटली टूटता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, इनकम्प्लीटली तौर पर टूटता है। आपकी बुक ने बस यही बताया कि देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब ग्लूकोज मुकम्मल नहीं टूटता, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। जब ग्लूकोज मुकम्मल नहीं टूटता तो एनर्जी भी क्या निकलती है बेटा, कम निकलती है सेल रेस्पिरेशन के मुकाबले में, एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में। यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है वो कम निकलती है, क्यों, क्योंकि सारे CH बॉन्ड नहीं टूटते, सारे CH बॉन्ड नहीं टूटते, क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी की वजह से। और अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि शुरू में कहते थे ये सिर्फ केमिकल अमल है, शुरू में कहते थे ये सिर्फ कौन सा अमल है, केमिकल अमल है। बाद में कहा जाने लगा इस अमल के पीछे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये देखें ये अमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है। बाद में ये कहा गया कि माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से होता है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। पहले क्या आ जाता सिर्फ केमिकल है, बाद में कहा गया जहाँ पे ये अमल होगा ना फर्मेंटेशन वहाँ जरासीम पैदा होंगे, तो बाद में इसको क्या कहा गया, बायोकेमिकल प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन भी होगा और साथ जानदार भी पैदा हो जाएंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म भी पैदा हो जाएंगे, लिहाजा बाद में इसको क्या कहा गया, बायोकेमिकल प्रोसेस। और ये साबित किसने किया, 1857 में लुईस पाश्चर ने साबित किया कि जहाँ फर्मेंटेशन होगी वहाँ माइक्रोऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। आगे चलें। देर आर मैनी काइंड ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की बहुत सारी काइंड होती हैं, फर्मेंटेशन की बहुत सारी अकसाम होती हैं, टाइप्स होती हैं। देर आर मैनी काइंड ऑफ फर्मेंटेशन एंड ईच काइंड इज करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर माइक्रोबियल ग्रुप। फर्मेंटेशन की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं और हर टाइप के पीछे, हर काइंड के पीछे मखसूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ होता है। हर फर्मेंटेशन की मुख्तलिफ किस्में,
एक किस्म के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरी टाइप की टाइप के लिए दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तीसरी टाइप के लिए तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इसको आपने क्लियर किया कि देर आर मेनी काइंड ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की बहुत सारी अकसाम हैं, एंड ईच काइंड इज करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर माइक्रोबियल ग्रुप, और हर एक के पीछे एक हर फर्मेंटेशन के पीछे किसका हाथ होता है, एक खास माइक्रोबियल ग्रुप का हाथ होता है। आगे चलते हैं, फर्मेंटेशन आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो फर्मेंटेशन है आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब फर्मेंटेशन को हम मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करते हैं, फर्मेंटेशन को हम क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप में तकसीम करते हैं, टाइप में तकसीम करते हैं, किस बुनियाद के ऊपर, प्रोडक्ट की बुनियाद के ऊपर, किस बुनियाद के ऊपर, प्रोडक्ट की बुनियाद के ऊपर हम फर्मेंटेशन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द इनिशियल स्टेप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द रेस्पिरेशन, ये भी समझना है आपने। द इनिशियल स्टेप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द रेस्पिरेशन, कि कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन के इब्तदाई मराहिल और रेस्पिरेशन के इब्तदाई मराहिल सेम होते हैं। कैसे सेम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन के इब्तदाई मराहिल क्या होते हैं, सेम होते हैं। इधर देखें, ये रेस्पिरेशन है और ये अब और ये कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन जो आपका टॉपिक चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, इन दोनों के इनिशियल स्टेप सेम होते हैं। कैसे इनिशियल स्टेप सेम होते हैं, यहां पे भी ग्लूकोज सबसे पहले पाइरूवेट एसिड में कन्वर्ट होता है, यहां पे भी ग्लूकोज सबसे पहले दो पाइरूवेट एसिड में कन्वर्ट होता है, टू पाइरूवेट एसिड्स में कन्वर्ट होता है। तो ये पहला स्टेप है, और कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन भी यही होता है, सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, दो पाइरूवेट एसिड में कन्वर्ट होता है, दो पाइरूवेट एसिड के मॉलिक्यूल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और याद रखिएगा बेटा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, और इस स्टेप को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, इस स्टेप को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा रेस्पिरेशन का और कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का जो पहला मरहला है वो जो है, वो पहला मरहला जो है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है और वो सेम है। सो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन के बुनियादी मराहल एक जैसे होते हैं, जहाँ पे ग्लूकोज दो पाइरूवेट एसिड में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज दो पाइरूवेट एसिड में कन्वर्ट होता है। तो आप कह सकते हो ना, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन के इब्तदाई मराहल एक जैसे होते हैं। सो क्लियर किया आपने, द इनिशियल स्टेप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बिगिंस विद द ग्लाइकोलाइसिस, ये अमल किधर से शुरू होता है, ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होता है। आपको बता रहा हूँ कि अमल, इस अमल को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं इनिशियल स्टेप को। और क्या होता है, इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट एसिड, जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पाइरूवेट एसिड के मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है, जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पाइरूवेट एसिड के मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है। देखें, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन के इब्तदाई मराहिल सेम है, जिसमें ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दो पाइरूवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इस अमल को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की आपने तारीफ करनी है कि ऐसा अमल जिसमें एक ग्लूकोज दो पाइरूवेट एसिड में टूट जाए, इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन भी ये ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है। डायग्राम भी देख लें, डायग्राम देख लें कि डिफरेंट, ये आपने देखा ग्लूकोज है सबसे पहले, और ग्लूकोज की क्या होनी है, ग्लाइकोलाइसिस होनी है, यानी कि ब्रेक डाउन होनी है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। और कितने पाइरूवेट एसिड बनेंगे, दो पाइरूवेट एसिड बनेंगे। ग्लूकोज का दो पाइरूवेट एसिड में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और फर्मेंटेशन में भी ये अमल सेम टू सेम होता है। उसके बाद पाइरूवेट एसिड से एथेनॉल भी बन सकता है, लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, और अदर ऑर्गेनिक एसिड भी बन सकते हैं। पाइरूवेट एसिड्स सबसे पहले ग्लूकोज से पाइरूवेट एसिड बनेगा, और इस अमल को ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। तारीफ भी कर लो, ऐसा अमल जिसमें ग्लूकोज दो पाइरूवेट एसिड में टूट जाए, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। फिर पाइरूवेट एसिड किस में टूटेगा, एथेनॉल में भी टूट सकता है, लैक्टिक एसिड में भी टूट सकता है, अदर ऑर्गेनिक एसिड में भी टूट सकता है। कब, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी हो, तो पाइरूवेट एसिड क्या होगा, पाइरूवेट एसिड जो होगा वो एथेनॉल, लैक्टिक एसिड और अदर ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
The two basic type of carbohydrate fermentation are described next. अब आपने कहा कि प्रोडक्ट के लिहाज से हम फर्मेंटेशन को नाम देते हैं, एथेनॉल को अल्कोहल कहते हैं, तो इसकी फर्मेंटेशन जो बनेगी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बनेगी। लैक्टिक एसिड, इसकी जो फर्मेंटेशन बनेगी वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। सो हम इन दो फर्मेंटेशन को पढ़ लेते हैं। फर्मेंटेशन की दो बड़ी किस्में हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन दिखाई गई है। शॉर्ट क्वेश्चन होता है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन क्या है, तो आप ये इस तरह लिख देंगे, डायग्राम बनाएंगे, आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन जो होती है उसके बुनियादी मरहल एक जैसे होते हैं और ये अमल शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का अमल हो या रेस्पिरेशन का अमल शुरू जो चाहे रेस्पिरेशन का अमल हो चाहे कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का अमल हो, ये अमल शुरू होता है ग्लाइकोलाइसिस से। और ग्लाइकोलाइसिस ऐसा अमल जिसमें एक ग्लूकोज का मालिक्यूल दो पैरोवैक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसीड द रिएक्शंस इन टू डिफरेंट वेज। फिर मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो रिएक्शन को मुख्तलिफ समतों में लेके जाते हैं और मुख्तलिफ इसके प्रोडक्ट बन सकते हैं। और पैरोवैक एसिड से क्या क्या बन सकता है, एथेनॉल भी बन सकता है, लैक्टिक एसिड भी बन सकता है या दूसरा कोई निम्याती या ऑर्गेनिक एसिड भी बन सकता है। हम इन दो को देखेंगे कि पैरोवैक एसिड से एथेनॉल बनेगा और पैरोवैक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर पैरोवैक एसिड से एथेनॉल बने तो हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, अगर पैरोवैक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा तो हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। सो सबसे पहले हम देखने लगे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो बेटा याद रखिएगा इसमें पैरोवैक एसिड से इथाइल अल्कोहल बनेगा। सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं, कि पैरोवैक एसिड है, पैरोवैक एसिड से क्या हुआ, एसिटाइलडिहाइड बना। क्या बना, एसिटाइलडिहाइड बना और उसके बाद एसिटाइलडिहाइड बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया और उधर कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो रही है, खारिज हो रही है। तो पैरोवैक एसिड से क्या क्या चीज़ें बनी, ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड बनी और एथेनॉल बना। चूंकि एथेनॉल बना लिहाजा इसको आप क्या कहते हो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हो। जिसमें भी अल्कोहल बनेगा उसको आप कहते हो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो इसमें पैरोवैक एसिड एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। दिस फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय मेनी टाइप्स ऑफ यीस्ट। याद रखना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अमल यीस्ट की वजह से होता है। यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है, एक सेल पर मुश्तमिल फंजाई है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपने कहा ना कि हर फर्मेंटेशन के पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके जरिए होती है, यीस्ट के जरिए। सो इस फर्मेंटेशन के पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, यीस्ट है और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सो दिस फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाई मेनी टाइप्स ऑफ द यीस्ट। ये जो फर्मेंटेशन है ये मुख्तलिफ किस्म की यीस्ट के जरिए होती है। उस यीस्ट का साइंसी नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविजाए। सैक्रोमाइसिस सेरेविजाए एक यीस्ट है और यीस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराती है। दिस प्रोसेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये अमल बड़ा अहम है एंड इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ब्रेड। और इस अमल से ब्रेड बनती है, बियर बनती है, वाइन बनती है और डिस्टिल स्प्रिट्स बनती हैं। ब्रेड रोटी बनती है और उसके बाद बियर कहते हैं मतलब मशरूब है, पीने की चीज़ है, वाइन कहते हैं शराब को, डिस्टिल स्प्रिट कहते हैं कशीदा स्प्रिट्स बनती हैं। तो ये चीज़ चार चीज़ें इससे बनती हैं, लिहाजा ये अमल बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे डिस्टिल स्प्रिट्स बनते हैं, वाइन बनती है, बियर बनती है और ब्रेड बनती है। इन दिस प्रोसेस CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द पैरोवैक एसिड। इस अमल में क्या होता है, पैरोवैक एसिड से क्या रिमूव होती है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। पैरोवैक एसिड से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और पैरोवैक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम पैरोवैक एसिड। इस अमल में पैरोवैक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, द प्रोडक्ट द एसिटाल्डिहाइड जो फिर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ही पैरोवैक एसिड से कार्बन नीचे निकल जाए तो जो प्रोडक्ट होता है वो एसिटाल्डिहाइड होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड। द प्रोडक्ट विच इज एसिटाल्डिहाइड इज देन रिड्यूस टू एथेनॉल। फिर ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है किस चीज़ के अंदर, एथेनॉल के अंदर। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फर्मेंटेशन कॉजेज द राइज ऑफ द ब्रेड। कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इस अमल में बनी है वो क्या करती है, रोटी के फूल जाने का बायस बनती है। रोटी जो होती है फूल रही होती है वो गैस की वजह से, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो आपने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में कवर किया, आपने कहा दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाई मैनी टाइप्स ऑफ द यीस्ट सच एज सैक्रोमाइसिस सेरेविजाए। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है मुख्तलिफ किस्म की यीस्ट इसको करती है, मिसाल के तौर पर सैक्रोमाइसिस सेरेविजाए। दिस प्रोसेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इज यूज टू प्रोड्यूस ब्रेड, बियर, वाइन एंड डिस्टिल्ड स्प्रिट्स।
ये अमल बड़ा अहम है क्योंकि इस अमल के जरिए रोटी, बेयर, शराब और कशीदा सिफर्स बनाई जाती हैं। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द पाइरूवेट एसिड, द प्रोडक्ट इज एसिटाल्डिहाइड। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम पाइरूवेट एसिड एंड द रिमेनिंग प्रोडक्ट इज then pyruvic acid is converted into a product that is called acetaldehyde, and then acetaldehyde is reduced to ethanol, and the carbon dioxide produced during this process causes the rise of the bread. ki is amal mein pyruvic acid se carbon se nikalti hai to bakiya jo product banta hai wo hai acetaldehyde, acetaldehyde ki reduction ho jati hai aur wo ethanol bana leta hai, lihaza alcoholic fermentation. ethanol ko ethyl alcohol bhi kehte hain. C2H5OH iska formula hai. kya formula hai iska? C2H5OH इसका फार्मूला है. ठीक हो गया. अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, एथेनॉल है, अल्कोहल है फर्मेंटेशन. और कार्बनिक से जो इस अमल में बनती है वो राइज ऑफ ब्रेड का बायस बनती है, रोटी के फूट जाने का बायस बनती है. आगे चलते हैं, हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखते हैं. कौन सी फर्मेंटेशन? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सबसे पहले क्वेश्चन देख लें कि पाइरूविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड में. पाइरूविक एसिड से अगर लैक्टिक एसिड बन जाए तो इसको आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हो. कन्वर्जन ऑफ पाइरूविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ओके. इन दिस प्रोसेस पाइरूविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड. इस अमल में पाइरूविक एसिड क्या होता है? रिड्यूस होता है. किसके अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर. सो हियर द पाइरूविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड. ये डेफिनेशन होगी और इक्वेशन भी होगी. आगे इसको कौन कैरी करता है? तो इसके पीछे भी जरासीमों का हाथ होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ होगा. इट इज़ कैरिड आउट बाय मैनी बैक्टीरिया. इसके पीछे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं. कौन कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस एंड मैनी लैक्टोबैसिलस स्पीशीज. ठीक है. तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को बहुत सारे बैक्टीरिया करते हैं, मिसाल के तौर पर स्ट्रेप्टोकोकस एंड मैनी लैक्टोबैसिलस स्पीशीज. ये बैक्टीरिया के नेम है. इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द डेयरी इंडस्ट्री. ये डेयरी इंडस्ट्री में बड़ा अहम है. याद रखना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अमल डेयरी इंडस्ट्री में बड़ा अहम है, यानी कि दूध वाली जो सनअत होती है वो उसके लिए बड़ा अहम है. वेयर इट इज़ यूज्ड फॉर सोरिंग मिल्क, जहाँ पे ये दूध को क्या करता है? तुर्श करने में इस्तेमाल होता है. एंड ऑल्सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़, और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ बनाने में भी क्या होता है? इस्तेमाल होता है. सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन डेयरी इंडस्ट्री. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अमल डेयरी इंडस्ट्री में बड़ा अहम है. वेयर इट इज़ यूज फॉर सोरिंग मिल्क एंड ऑल्सो फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़, यहाँ पर ये मिल्क को खट्टा करना, तुर्श करना, उसको उसके लिए इस्तेमाल होता है. और फिर वहाँ से मुख्तलिफ किस्म की क्या बनती हैं? चीज़ बनती हैं, पनीर बनती हैं. तो ये आज आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फर्मेंटेशन और उसके दो टाइप्स. आपने फर्मेंटेशन की तारीफ करनी है, ग्लाइकोलाइसिस की तारीफ करनी है बेटा. कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है. अल्लाह हाफिज़.